सावधान, थोड़ी देर का ध्यान है, सुनते जाना, मुद्राएं सुनते जाना, कैसे कैसे करना, शांत चित्त, स्थिर शरीर, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, सावधान, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए एकाग्र चित्त, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। भाव समाधि में आंखें खोली जा सकती। दिव्य साधना लोक, ये गुरुदेव की आवाज में उपलब्ध है, ध्यान आप लोग को कैसेट मिल जाएगा, पेन ड्राइव में मिल जाएगा, ये अवेलेबल है। दिव्य साधना लोक, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, शांतिकुंज, गायत्री तीर्थ, अखंड दीप, दिव्य वातावरण, अखंड दीप, दिव्य वातावरण। जो जलता है बहुत वर्षों तक अखंड दीपक, वो भी एक जलता हुआ ऐसा तपस्या का प्रतीक बन जाता है। अखंड दीपक एक प्रकार से ज्वलंत यज्ञ बन जाता है कंटिन्यूस। यहाँ का अखंड दीपक ऐसा ही है बिल्कुल, 100 साल पूरे करने जा रहा है 2026 में। दिव्य वातावरण, देवी शक्तियों का संरक्षण, दिव्य साधना लोक, शांति कुंज। अगला क्रम, शरीर शांत, शरीर शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत। कोशिश करना धीरे धीरे एक एक करके इन सबको निकालने की। शरीर शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, मन शांत, शांत मन, भाव समाधि शांत, अंतःकरण शांत, दिव्य दर्शन हो। अब अपने अंदर कल्पना कीजिए मन में दिव्य दर्शन, हिमालय का सर्वोच्च शिखर, बर्फ से ढका हुआ हिमाच्छादित, इसको ही अध्यात्म का ध्रुव केंद्र भी कहा गया है। दिव्य दर्शन कल्पना कीजिए, कल्पना करो कि तुम्हारे सामने हिमालय है, हिमालय का दिव्य दर्शन हो रहा है, उगता हुआ सूर्य पीछे से आता हुआ, सबसे पहले उगते हुए सूर्य की किरणें हिमालय के शिखर पर दिखाई पड़ती हैं, हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर। बहुत बड़ी क्वालिटी है सर्वोच्च बनना, कितनी बड़ी क्वालिटी है। सर्वोच्च बनने की वजह से सूर्य की किरणें सबसे पहले आपके ऊपर आएंगी, स्वर्ण के समान। वादियों में, गहराइयों में, खाइयों में सूर्य सबसे बाद में आता है। हम बनेंगे तो ऊंचा बनेंगे हिमालय के समान, स्वर्ण के समान। सूर्य सविता, सविता सूर्य, साधक का इष्ट, लक्ष्य, उपास सूर्य, सविता। दिव्य प्रेरणा स्रोत सविता, दिव्य चेतना स्रोत सविता, स्वर्णिम प्रकाश से उत्प्रोत सविता, हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर दिव्यता का भंडार, वहां पर ध्यान दीजिए। साधक का सविता को समर्पण, साधक का सविता को समर्पण, ईंधन आग का समर्पण। आप ईंधन हैं, आप आग को समर्पित कर दीजिए, जल जाइए। साधक ईंधन, सविता आग, आग ईंधन का समर्पण, विसर्जन विलय, आग ईंधन का समर्पण, विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत, एक एकत्व अद्वैत। सविता के स्वर्णिम प्रकाश का साधक के शरीर में प्रवेश। अभी तक तो ध्यान चल रहा था, अब सविता अंदर प्रवेश कर रहा है। सविता के प्रकाश का प्रवेश नाभि चक्र में,
इस होल शरीर में, नाभि चक्र विकसित, नाभि कमल विकसित, रोम रोम पुलकित, कण कण प्रकाशित, पुलकित साधक, साधक ओजस्वी तेजस्वी प्राणवान, साधक ओजस्वी तेजस्वी प्राणवान, कण कण प्राणवान, नाभिचक्र प्रकाशित। नाभिचक्र एक प्रकार से सोलर प्लेक्सस है, जो हमारा मिनी सूर्य है हमारे अंदर। प्राण केंद्र विकसित, नाभि कमल विकसित, नाभि कमल की पंखुड़ियां विकसित, प्राण विकसित, ओज विकसित, विकसित विकसित पुलकित, स्थूल शरीर पूर्णतः प्रकाशित, रोम रोम पुलकित। अगला चरण सूक्ष्म शरीर, हृदय कमल, सूक्ष्म शरीर का स्थान हृदय चक्र, हृदय कमल, पहले नाभि कमल फिर हृदय कमल, सभ्यता के दिव्य करणों का सूक्ष्म शरीर में प्रवेश, विचार संस्थान में प्रज्ञा का संचार, विचार क्षेत्र में हृदय कमल में सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा का संचार, कण कण में प्रज्ञा, रोम रोम में प्रज्ञा, सूक्ष्म शरीर में तेजस्विता का प्रवेश, प्रज्ञा का प्रवेश, विवेक का प्रवेश। तीसरा कारण शरीर, कारण शरीर का स्थान मस्तिष्क मध्य, ब्रह्मरंध्र, सहस्रार कमल, सविता की दिव्य किरणों का प्रवेश, कारण शरीर विकसित। ये जो पानी बरस रहा है ना, इससे तुम प्रभावित मत होना, ये समझ लेना तुम पर देवी की वर्षा हो रही है, देवी प्राण की वर्षा हो रही है, इसके माध्यम से देवी प्राण तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। कारण शरीर विकसित, ब्रह्मरंध्र विकसित, श्रद्धा का स्रोत, भावनाओं का स्रोत, आस्था का स्रोत सहस्त्रार कमल, प्रकाशवान श्रद्धावान वर्चस्वी कारण शरीर, श्रद्धा विकसित, ब्रह्म तेज विकसित, सविता के दिव्य किरणों से विकसित कारण शरीर, सहस्त्रार दल विकसित, हजार कमल वाला एक सहस्त्रार चक्र विकसित, ब्रह्म तेज विकसित, सविता के दिव्य किरणों से कारण शरीर विकसित, सविता के दिव्य प्रकाश से तीनों शरीर जागृत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर ओजस्वी प्राणवान स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर प्राणवान तेजस्वी कारण शरीर, ब्रह्मरंध्र विकसित, श्रद्धा विकसित, कारण शरीर विकसित, साधक का इष्ट लक्ष्य स्वर्णिम सविता। विभूतिवान शक्तिवान सिद्धिवान शांतिवान साधक, ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी साधक, पुलकित विकसित साधक, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, सविता का विसर्जन साधक में, साधक का विसर्जन सविता में, सहस्त्रार कमल जागृत, नाभि कमल जागृत, हृदय कमल जागृत, श्रद्धावान प्रज्ञावान निष्ठावान, श्रद्धा कारण शरीर की वजह से, प्रज्ञा सूक्ष्म शरीर की वजह से, और निष्ठा स्थूल शरीर की वजह से, कायकल्प साधक का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन।
पाठ समापन। आप लोग भी मनी मन मेरे साथ कहिए तमसो माँ, जोर से बोलो, बारिश को भी चैलेंज कर सकते हो तुम लोग। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब मेरे साथ साथ बोलना, तमसो माँ, तमसो माँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। शांति गति सविता की ओर, गति प्रकाश की ओर। तमसो माँ, बोलिए तमसो माँ ज्योति की, ज्योतिर्गमय। असतो माँ सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रकाश की ओर, सत की ओर, अमृत की ओर चलना है आपका। पांच बार ओम बोलेंगे एक साथ, है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं पहले। शांति ही, शांति ही, शांति। दोनों हाथों में रखें, शरीर के ऊपर लगाइए। एक उपनिषद का सूत्र है जिसको बोलेंगे पूषण्ये कर्षे यम सूर्यम प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो असावसो पुरुष सो अहम अस्मि। हे भक्तों का पोषण करने वाले, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे सबके नियंता, हे भक्तों या ज्ञानियों के परम लक्ष्य रूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन रश्मियों को एकत्र कीजिए, इस तेज को समेट लीजिए या अपने तेज में मिला लीजिए, जो आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य स्वरूप है। उस आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से इस ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। जो वह सूर्य है, सूर्य की आत्मा है, वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है। मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ। उस गुरु सत्ता को नमन करेंगे। ओम नमो स्तुवन्ताय सहस्रभूते सहस्रपादाति शिरोरुवावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि विधारिणे।